मार्च के पहले हफ्ता हो सकता है विधानसभा बजट सत्र। आपको बता दें गैरसैंण में 2 से 6 मार्च तक हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कार्यक्रम भेज दिया है। तो आपको बता दें गैरसैंण में 2 से 6 मार्च तक जो बजट सत्र है वो पेश किया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कार्यक्रम भेज दिया है। मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है विधानसभा बजट सत्र। इस बजट में उत्तराखंड को लेकर तमाम ऐसी जानकारियां हैं, तमाम ऐसे बजट हैं, तमाम ऐसे केंद्र के तोहफे हैं जो जनता के लिए, आम जनता के लिए सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में ये बजट सत्र हो सकता है। तो हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, इस बजट सत्र में आम जनता के लिए कौन कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं? अगर कहा जाए तो अभी तो प्रेमावती विधानसभा जो सचिवालय है उन्होंने अपनी तरफ से शासन को ये इसका संस्तुति भेजी है कि सरकार जो है वो दो मार्च से 6 मार्च के बीच में सत्र बजट सत्र करवा सकती है, उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो माना जा रहा है गैरसैंण में ये सत्र आयोजित हो सकता है। अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है कि कब सत्र आयोजित होना है। हालांकि माना जाता है कि जो विधानसभा सचिवालय द्वारा जो कार्यक्रम भेजा जाता है उसी को ही सरकार आगे परस्यू करती है। तो ये लगभग तय है कि मार्च के पहले हफ्ते में बजट सत्र उत्तराखंड सरकार का पेश होगा। वो भी माना जा रहा है कि गैरसैंण में इसको आयोजित किया जा सकता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई चीजों पर राज्य सरकार सौगात दे सकती है। अब ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद सुझाव ले रहे थे और सुझाव के दौरान उन्होंने खुद बोला कि लगभग 1500 के लगभग सुझाव जनता के आए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये तमाम सुझाव हैं उनको इनकॉर्पोरेट अगर सरकार बजट में करती है तो काफी राहत जनता को मिलती हुई नजर आएगी। जी पंकज, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आम जनता की राय सीएम ने खुद ली है, वहीं दूसरी तरफ सीएम भी घर घर गए थे और लोगों से उन्होंने बातचीत वाद विवाद किया था इससे कुछ दिनों पहले। तो ऐसे में इस बजट में क्या देखने को मिल सकता है कि जो जमीनी हकीकत है उससे जोड़ती हुई जो चीजें हैं, जो बजट है उसमें अनाउंसमेंट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये तमाम चीजें जरूर होती हुई नजर आएंगी। और हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जब पहला बजट अपना पेश किया था उसमें भी उन्होंने सुझाव लिए थे। कोशिश सरकार की यही है कि जनता की पार्टिसिपेशन बजट के उसमें हो और उससे कई अच्छे परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी चीजों को उस बजट में उसको शामिल करती है, कितनी चीजों को बजट के जो सुझाव मिले हैं उसके तहत उसको बजट में शामिल करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की कोशिश यही है कि आम जनता से जुड़ा हुआ बजट रहे और आम जनता की जो सुझाव हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। जी पंकज, वहीं जिस प्रकार से आपने बताया कि करीब 1500 सुझाव सरकार के पास आए आम जनता की तरफ से, तो इन सुझावों में मुख्य रूप से कौन से वो सुझाव हैं, कौन सी वो समस्या है जो लोगों ने सरकार के समक्ष रखी है? देखिए ज्यादातर सुझाव जो हैं वो इस बात को लेकर हैं कि सरकार किस तरीके से अपने आर्थिक संसाधनों को आगे बढ़ाए, इसके अलावा किस तरीके से ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाया जा सके, और अगर कहा जाए तो किस तरीके से रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, इन तमाम योजनाओं को कैसे बनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी बजट को लेकर काफी कुछ सुझाव दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि काफी अच्छे अच्छे सुझाव मिले हैं। इसके अलावा एंट्री टैक्स को लेकर भी सुझाव मिला कि राज्य में एंट्री टैक्स होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर सरकार इन तमाम चीजों को अपने उसमें शामिल करती है तो ये काफी अच्छी पहल साबित होगी। जी वही अगर देखा जाए हरिद्वार में कुंभ है तो उस कुंभ को लेकर भी इस बजट में कुछ सौगात देखने को मिल सकती है? देखिए मुझे नहीं लगता कि बजट में इसको लेकर कुछ होगा, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा माना जा रहा है कि इसको लेकर पैसा दिया जाएगा तो राज्य सरकार उन तमाम चीजों को देखते हुए ही अपना प्लान बना रही है कि किस तरीके से कुंभ के मेले को आयोजित किया जाए। और सीएम संतुष्ट नजर आ रहे हैं, आज जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ जो कार्य वहाँ पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें हैं, बजट की तैयारियां भी हैं और उसके साथ साथ कुंभ की तैयारियां भी, इसमें भी सरकार जुटी हुई है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।